यूपी के मथुरा से एक महिला ने अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO के ऑफिस पहुंची। असल में महिला यह CMO ऑफिस में पति का विकलांगता सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची थी। हालांकि यूपी सरकार के मंत्री ने इसकी निंदा की है। हालांकि अब खबर है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ने महिला के पति को विकलांगता का सर्टिफिकेट दे दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मामला बिजनौर में सामने आया था, जब भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान एक शख्स अपने बुजुर्ग पिता को कंधे पर लेकर अस्पताल लेकर गया था। महिला का कहना है कि उसके पति के पास व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल नहीं है, इसकी वजह से उसे पति को पीठ पर लेकर CMO ऑफिस आना पड़ा। महिला का कहना है कि पति की विकलांगता का सर्टिफिकेट लेने के लिए उसने कई दफ्तरों के चक्कर काटे, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वहीं यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सभ्य दुनिया में एक दुखद घटना है, हम इस मामले की जांच करेंगे और जैसे भी होगा उस महिला की मदद करेंगे।